तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ईवीएम मशीन की हैकिंग बिल्कुल रियल है। इसका डेफिनेट प्रूफ हाल ही में हुए बीएमसी इलेक्शन में सामने आया है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट्स मिले, जबकि उसने कहा कि कम से कम मैंने खुद को तो वोट डाला ही था और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे वोट डाला था, तो मुझे 0 वोट्स कैसे मिल गए। 2010 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे रिसर्च की और इसमें पाया कि अगर थोड़े टाइम के लिए किसी को ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करने दी जाए तो इसे बड़े आराम से हैक किया जा सकता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसको हैक कैसे किया जाता है। अगर ईवीएम मशीन की स्क्रीन बदल दी जाए तो ऐसा किया जा सकता है। इसमें असली डिस्प्ले की जगह नकली डिस्प्ले डाली जा रही है। तो यहाँ पे आप दो डिस्प्ले देख सकते हैं जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। इस डिस्प्ले के नीचे एक चिप लगाई गई है और साथ ही में एक ब्लूटूथ रेडियो एंटीना भी चिपकाया गया है, जिसकी मदद से सारे वोट्स के रिजल्ट बड़ी आसानी से बदले जा सकते हैं, वो भी किसी मोबाइल या वायरलेस के साथ। ये सब वोट्स की काउंटिंग के टाइम या फिर जब मशीन को स्टोर करके रखा जाता है उस टाइम किया जा सकता है। दूसरा तरीका है इस क्लिप के साथ। इसके साथ बड़ी आसानी से वोट्स चुराए जा सकते हैं और इसे घुमाकर जीतने वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और इसे सीधा ईवीएम मशीन की मेमोरी चिप के साथ जोड़ दिया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में ये सारी वोट्स बदल देता है और ये कोई सबूत भी नहीं छोड़ता और इसे बड़ी आसानी से किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और इन क्लिप्स और ब्लूटूथ चिप्स को महीनों पहले या सालों पहले भी लगाया जा सकता है और वोट्स के कुछ घंटे पहले या बाद भी। तो अब आप लोग ईवीएम मशीन की सच्चाई जान चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस